अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे थे, चैप्टर 3 जो है उसमें मैन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, यानी इंसान का माहौल से उसका जो ताल्लुक़ है उसको बताना है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरमेंट, और दूसरा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो है कि एनवायरमेंट का जो है इंसान पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ़ रीजन में मुख्तलिफ़ जो लोग रहते हैं उनका माहौल भी, उनका एनवायरमेंट भी बिल्कुल ही अलग होता है। जैसा एक पहाड़ में रहने वाला इंसान, उस पहाड़ में रहते हुए चूँकि वो पहाड़ों में रहता है तो लिहाजा उसके अंदर फितरतन जो है उसमें एक सख्ती आ जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है मशक्क़त वाली ज़िंदगी है। हर चीज़ उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जितनी ज़िंदगी जो है एक प्लेन एरियाज़ के अंदर रहने वाले और मैदानी इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी इतनी आसान। फिर इसी तरह जो गाँव देहात में रहने वाले लोग हैं और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में फ़र्क है। शहरों में जो है जो रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर जो है मतलब इस तरह हार्ड वर्किंग नहीं होते जैसा गांव देहात में, क्योंकि वहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं गांव देहात में, तो लिहाजा वो सुबह सुबह उनकी एक्टिविटीज़ सारी शुरू रहती है। तो ये उनका माहौल उनको इस चीज़ के ऊपर मजबूर करता है, एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता। जैसे जैसे दुनिया जदीद होती जा रही है तो उसी तरह जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सनतें बन रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो सनतें बन रही हैं उससे जो है माहौलियात में जो है बहुत ज़्यादा असरात पड़ रहा है उससे। जैसे जैसे इंसान जो है वो तरक्की करते रहेगा, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, तरक्की करना इंसान का ज़रूरी है। तरक्की की तरफ जैसे जैसे वह आगे बढ़ता रहेगा तो इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ईजाद करेगा, और वो जो चीज़ों को वो ईजाद करेगा अपनी तरक्की के लिए, अपनी तरक्की की राह हमवार करने के लिए, तो उनका जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, माहौल के ऊपर। ये मतलब ह्यूमन इंट्रैक्शन है। आप इसको बिल्कुल इस तरीके से लीजिए कि अगर एक एक जगह जो है उसको अगर मुंतखब किया जाए और उसको जो है अगर उसमें शहर बसाना हो तो जाहिर सी बात है उस एरिया में जितने भी दरख्त होंगे सबसे पहले उनको काटा जाएगा, यानी माहौलियात जो है वो उसके अंदर चेंजिंग आएंगी। जितने भी मतलब जंगलात हैं उनको साफ़ करेंगे, उनको पहले सफाई करेंगे, उनको काट दिया जाएगा। और उनके दरख्तों के काटने से इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा, जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना शुरू होगा, और जो है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जो है जो इंसान इस दौर में जो हम फेस कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को इसी वजह से फेस कर रहे हैं क्योंकि हमने जो है बड़ी तादाद में जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको हमने ख़त्म की, और इसके बाद फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जब बढ़े मतलब इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू की। ठीक है कि जो है ना ह्यूमन जो है वो तरक्की करते हुए जो है मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ता रहा, लेकिन उन टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट भी इंसान के ऊपर पड़ता रहा। जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज़ जो वो अपना लार्ज नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट तो वो बना रही है, लेकिन जनाब उस लार्ज नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट बनाने के बाद जो उसका वेस्ट मटेरियल जो है उसको जब वो मुख्तलिफ़ नदी नालों के अंदर डालती हैं और जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे जब वो अपने वेस्ट मटेरियल को फेंकती हैं तो वो केमिकल मटेरियल जब माहौलियात के अंदर शामिल होता है तो उसके कितने नुकसान हैं। और चूँकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ ऐसी जगहों पर लगती जहाँ पर वाटर जो है अवेलेबिलिटी हो, जहाँ पर जो है रिवर हो, तो जाहिर सी बात है उस रिवर के अंदर जब फेंकेंगे तो फिर बल आखिर वो कहाँ जाएगा, वो नदी नाला जाएगा, ख़त्म होगा समंदर पे। जब समंदर पे ख़त्म होगा तो आप ये देखिए कि जो ओशन जो है उनके अंदर जो हैबिटेंट्स हैं मुख्तलिफ जो रहने मखलूकात है उनको भी नुकसान पहुँचेगा। तो आप ये देखिए कि इसका इफ़ेक्ट सब के ऊपर पड़ रहा है, जो वहाँ पर रहने वाले जो है जानवर है वो मुतासर होंगे, जो मतलब वहाँ पर जो है खेती बाड़ी अगर उसके करीब हो रही है इंडस्ट्रीज़ के तो वो भी मुतासर होंगे। तो इंसान का भी जो है ना इम्पेक्ट जो है बहुत ज़्यादा, ह्यूमन जो है उसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। मतलब हर इसमें देख लीजिए, कोई एक फील्ड नहीं, जितनी भी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है
चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो, चाहे टर्शियरी एक्टिविटीज़ हो, उनका जो है असरात बल आखिर किसके ऊपर पड़ता है? इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ता है। और इन्वायरमेंट जो है जिसमें इंसान को रहना है, वो माहौल ख़राब होता चले जाता है। इसी तरह जो है अगर हम कदीम ज़माने में देखें कि इन्वायरमेंट के बारे में सबसे पहले किन लोगों ने कुछ काम किया, सबसे पहले अरस्तू और जो है हिप्पोक्रेट, इन्होंने जो है एक नज़रिया पेश किया जिसको कहते हैं नज़रिया डिटर्मिनिज्म, थ्योरी ऑफ डिटर्मिनिज्म, जिसको ये कहा जाता है कि कोई भी नज़रिया जबरिया कहलाता है। मैंने इसका असल मकसद क्या है? इसका असल मकसद ये थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी बताती है कि इन्वायरमेंट जो है माहौल अपनी जगह पर रहेगा, इंसान को चेंज होना पड़ेगा। माहौल अपनी जगह पर है और इंसान जो है उसमें मजबूरन रह रहा है, मतलब ह्यूमन इज हेल्पलेस इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। अब उसमें जो है वो अगर आप देखा जाए तो इस थ्योरी में ये कहा गया कि जैसा इंसान अगर एक पहाड़ों में रहने वाला इंसान है, जाहिर सी बात है वो उसके मुताबिक अपने आप को चेंज करेगा, इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकता। ये नज़रिया था। इसी तरह फिर इसके बाद अगर दूसरी मिसाल हम लें तो सहरा में रहने वाला इंसान, वो अपने हैबिट्स को चेंज करेगा, अपने आदतों को चेंज करेगा और अपने आप को उस जगह के रहने के मुताबिक जो है उसको रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ थी थ्योरी ऑफ डिटर्मिनिज्म। जदीद दौर के अंदर भी एक नई थ्योरी आई जो मतलब थ्योरी ऑफ पॉसिबलिज्म कहलाता है। ल्यूसिन फेब्रे और इसाहा बॉमेन और पॉल वाइटर ली ब्लाशे, इसने जो है मतलब इन थ्योरीज को पेश की। उनका कहना ये था कि जो ये कायनात है इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इनकी इस थ्योरी को पॉसिबिलिज्म कहते हैं। वो कहते हैं कि द अर्थ डज नॉट डिक्टेट ह्यूमन्स बिहेवियर, इंसानी जो बिहेवियर है वो उसको अर्थ हमें जो है मतलब कायनात उसको डिक्टेट नहीं करेगा, बल्कि ह्यूमन कैन शेप डिफरेंट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को भी चेंज कर सकता हो, शेप भी कर सकता है। जिन पहाड़ों की बात हो रही कि जिन पहाड़ों के अंदर जो है रहना बहुत मुश्किल है, उस पहाड़ों के अंदर जो है ह्यूमन ही चेंज लेके आ सकता है और ह्यूमन जो है उसको तब्दील कर सकता है, उसमें जो है मुख्तलिफ रास्ते निकाल सकता है, उसको मुख्तलिफ अपने यूसेज के मुताबिक जो है अपने उसके मुताबिक जो है मुख्तलिफ चीज़ें उसको हासिल कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब ह्यूमन इसको तब्दीली लेके आ सकता है, चेंजिंग लेके आ सकता, और ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट को जो है इन्वायरमेंट के सामने इंसान बेबस है, ऐसा नहीं है कि माहौल के सामने इंसान बेबस है, बल्कि माहौल को तब्दील कर सकता। और ये बिल्कुल है, अगर हम आज के इस दौर में देखें तो पॉसिबलिज्म वाली थ्योरी बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आती है। भाई माहौलियात के अंदर एक चीज़ होती है कि जनाब क्लाइमेट और टेम्परेचर, तो हम जो है इतना तो ज़रूर कर सकते हैं आज के दौर में, आज के दौर में आप ये देख सकते हैं वाज़े तौर पे कि क्लाइमेट को आपने इतना तो कंट्रोल कर लिया कि जनाब आपने इस कमरे के अंदर जो गर्म तरीन कमरा है उस कमरे में आपने एसी लगा दिया, आप टेम्परेचर के ज़रिए से उस इतनी लिमिट जो लिमिटेशन है उस रूम की उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसके टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, आप उसको टेम्परेचर को जो है मतलब बढ़ा भी सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। इसी तरह जो है एक बर्फ़ानी एरिया में इंसान रह रहा है तो वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करेगा तो उस कमरे को वो गर्म कर सकता है। तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ क्या है, ये पॉसिबलिज्म है। ये थ्योरी जो है इस दौर जदीद की थ्योरी है और इस थ्योरी ने जो है डिटर्मिनिज्म की थ्योरी को काफ़ी हद तक के इसको ख़त्म कर दिया और ये बता दिया कि ऐसा नहीं है कि जो है इंसान के ऊपर जो है इंसान जो है उसके ऊपर माहौल हावी हो गया है या इन्वायरमेंट जो है वो इसने इंसान को जो है बिल्कुल बेबस कर दिया, हेल्पलेस कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके बजाय इंसान जो है वो अपने अपने हर अमल के अंदर अपने आप को जो है वो मतलब चेंज कर सकता है, माहौल को तब्दील कर सकता है, माहौल को जो है वो अपने मुताबिक कर सकता है। और ये इंसान ने ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर अगर आप देखें तो क्या कुछ मतलब ह्यूमन ने जो है इस दौर के अंदर नहीं कर लिया, जो फिशिंग सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ थी कहाँ पे, मतलब वहाँ जो है जहाँ दरिया है वहाँ पर जो है फ़िशिंग करेंगे, मतलब
मछलियों को पकड़ना, मछलियों की सारी चीज़ें वो मतलब वो करना, उनको पकड़ के बाज़ार के अंदर बेचना, सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो है समंदरों में जाके फ़िशिंग की पॉसिबिलिटीज, मतलब इसके अलावा यानी कोई और चीज़ नहीं थी। लेकिन जनाब अक्वा कल्चर निकला है, चाइनीज़ लोगों ने कदीम दौर के अंदर ही अक्वा कल्चर यानी उन्होंने जो है एक जगह बनाई और उसको बिल्कुल माहौल दे दिया, समंदर का माहौल दिया, वहाँ ला के जो है समंदर की मछलियों को ला के वहाँ पर उन्होंने छोड़ा है और उसके बाद उसकी ब्रीडिंग हुई और इसके बाद वहाँ से वो फ़िशिंग कर रहे हैं, माहीगिरी हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इंसान जो है अपने तरक्की के लिए जो है वो चाहे तो माहौल को जब चाहे मतलब मोल्ड कर सकता है, चेंज कर सकता है, शेप दे सकता हो। ऐसी यानी ये बात जो है पॉसिबिलिज्म की थी। पॉसिबिलिज्म ने आप ही समझे कि डिटर्मिनिज्म की जो थ्योरी है इसको रद्द कर दिया। अजीज़ तलबा, फ़िलहाल जो है मैं अपना लेक्चर इसी पे ख़त्म कर रहा हूँ। इस लेक्चर के अगले हिस्से में मैं आपको ये बताऊँगा कि माहौलियात जो है इन्वायरमेंट को किस तरह से असेसमेंट करते हैं और किस तरीके से असेसमेंट करने का उसको मतलब ज़रूरी क्यों है, यानी इन्वायरमेंटल असेसमेंट जो है, वाई इन्वायरमेंटल असेसमेंट इज़ नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है माहौलियात को जो है असिस्ट करना, उसको जो है देखना और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये किस लिए ज़रूरी है। तो ये अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा।